हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो 1000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में, 1000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये नोटिफिकेशन आई हुई है रिक्रूटमेंट की, तो 1000 से ज्यादा पोस्ट है, सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो हम पूरी डिटेल यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके की अपॉइंटमेंट है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ से आई हुई है, लास्ट डेट क्या है और बाकी की सभी डिटेल्स। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 1048 पोस्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें, या 17 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। सब्जेक्ट की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर वापस हम सब्जेक्ट की डिटेल्स पर आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट की हुई है। ये नोटिफिकेशन आपकी आई हुई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार स्टेट की तरफ से। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी इन अ वे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप इसके एडवर्टीजमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी क्लिक हियर, गेस्ट फैकल्टी सब्जेक्ट्स। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उसके बाद हम गेस्ट फैकल्टी की सब्जेक्ट भी वापस से देखेंगे। तो पहले एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट ओपन होती है। एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट स्लैश पार्ट टाइम टीचर्स, तो गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर है लेकिन गेस्ट पार्ट टाइम टीचर इसे बुला रहे, डिजिग्नेशन। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि टेन्योर क्या है। ये टेन्योर है 6 मंथ्स के लिए रखा जा रहा है। द एंगेजमेंट शेल बी, यहाँ पे पॉइंट नोट 2 में आप देख सकते हैं, द एंगेजमेंट शेल बी फॉर 6 मंथ्स और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर विच एवर इज अर्लियर। तो 6 महीने के लिए या फिर टीचर रेगुलर बेसिस पर जब अपॉइंट होते हैं तो तब तक के लिए ये अपॉइंटमेंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट में। 5% की रिलैक्सेशन दी गई एसटीएससी कैंडिडेट के लिए या फिर और भी कैंडिडेट के लिए जो, इसके साथ में नेट होनी चाहिए, ये कंपलसरी है जिन सब्जेक्ट्स में नेट कंडक्ट कराई जाती है। नेट या फिर अगर स्टेट लेवल की सेट की हुई है, मींस बिहार से अगर आपने सेट एग्जामिनेशन पास की हुई है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपको नेट या सेट से एग्जामिनेशन चाहिए तो पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी के लिए ये 4-5 पॉइंट्स है जो ओबे होते हैं। अगर आपकी पीएचडी इन कंडीशंस को फुलफिल करती है तो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स नेट या सेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे और एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लॉ, लॉ के लिए कुछ अलग से एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो लॉ वाले कैंडिडेट्स अगर एप्लीकेशन डालना चाहें तो जरूर डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इशू जो मुझे नजर आ रही है कि एप्लीकेशन फी काफी हाई है, तो एप्लीकेशन फी वाली सेक्शन में हम चलते पॉइंट 4 पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन विद अ फी ऑफ ₹1000। जनरल कैंडिडेट ₹750 फॉर ओबीसी बीसी कैंडिडेट एंड ₹50 फॉर एसटीएससी कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट के लिए ₹1000 फी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी। बाकी एसटीएससी कैंडिडेट के लिए नॉमिनल चार्ज है, तो एप्लीकेशन जरूर डालें। बाकी कैंडिडेट अच्छी तरीके से इसको समझ लें, टेन्योर को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। आगे अभी देख लेते हैं सब्जेक्ट्स की डिटेल। फी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, तो फी कभी भी रिफंड नहीं होती है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे उसकी प्रिंट आउट लेनी है। सेल्फ अटेस्ट करना मीन्स खुद से साइन करने सारे आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपी है, और वापस आपको हार्ड कॉपी भी रजिस्टर्ड पोस्ट से, हाथ से या फिर कुरियर के थ्रू 15 अप्रैल तक मिल जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और ऑफलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। 25 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक नोटिस आई हुई है छोटी सी कि उसमें ऑनलाइन और एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ एरर है, तो वेट करने को कहा गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर स्क्रॉल हो रही है। अब सब्जेक्ट्स की डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं।
तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल हम देख ले, AI एंड AS 25 सीट्स है, बॉटनी में 83, केमिस्ट्री में 111 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 83, इंग्लिश में 72, ज्योग्राफी में 42, हिंदी में 82, हिस्ट्री 66, होम साइंस 15, मैथ 65, म्यूजिक में 5 है, फिजिक्स में 93 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 91, साइकोलॉजी में 83, सोशियोलॉजी में 36, जूलॉजी में 84, लॉ में 12 वैकेंसीज है। टोटल 1048 वैकेंसीज है। इसमें बाइफर्केशन भी दी हुई है कितने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मीन्स कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी अच्छी तरीके से दी हुई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उन सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मिलाकर ये वैकेंसीज हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, यहाँ पर अभी 25 मार्च को ये नोटिफिकेशन है। देयर हैज बीन ऑकर्ड सम टेक्निकल एरर इन फॉर्म फिलिंग पोर्टल फॉर गेस्ट फैकल्टी 2021। नीचे आप देखें स्क्रॉल हो रही है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम टू गेट इट करेक्टेड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो गेस्ट फैकल्टी के लिए डालना चाहते हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं, इसके करेक्ट होने के लिए आप वेट करें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल हो रही है और इसी में आप जब करियर सेक्शन में जाते हैं तो आपको सारी नोटिस यहां पर अपडेटेड मिलेंगी, एडवर्टीजमेंट और सब्जेक्ट की डिटेल। इंटरेस्टेड होने पर जरूर एप्लीकेशन डालें। इस तरीके की असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अच्छी नोटिफिकेशन जहां भी मिलेंगी वो आपके लिए मैं इस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर जरूर लाऊंगी। यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं की हुई है, सैलरी एक बड़ी फैक्टर है जो मेंशन होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में, लेकिन वो मेंशन नहीं है। बिहार स्टेट के रूल के मुताबिक जो पेमेंट होती है वो की जाएगी, ऐसा एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो बताया नहीं गया, आप डिटेल्स को स्टडी कर लें, रीड कर लें, समझने के बाद एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।